चिल्ड्रेन, हाउ आर यू? आई होप यू ऑल आर फाइन। ओके, कल मैंने आपकी मैथ्स की क्लास ली थी, आज टाइम टेबल के अकॉर्डिंग हमारी हिंदी की क्लास है। ठीक है, हिंदी की क्लास लेने से पहले मैं आपसे ये बोलना चाहूंगी बेटा कि मैंने आपको कल जो मैथ्स का वर्क दिया था, लेकिन आप लोगों में से मुझे सिर्फ एक ने ही मुझे भेजा है और बाकी किसी ने भी मुझे होमवर्क करके नहीं भेजा है, तो मुझे पता ही नहीं चल रहा आप लोगों ने देखा है, किया है, नहीं किया है। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि अगर आप लोग ये वीडियो देख रहे हैं तो प्लीज घर में वर्क जरूर करें बेटा, क्योंकि ये रिविजन आपके लिए बहुत जरूरी है। ठीक है, तो चलिए अब हिंदी की क्लास लेती हूँ। तो अब आज हम हिंदी की क्लास है। ठीक है, तो व्हाट डेट इज टुडे? टुडे इज 17/1/23। ओके, एंड व्हाट डे इज टुडे? टुडे इज ट्यूसडे। टुडे इज ट्यूसडे। ओके, तो अब हम पढ़ेंगे आज क्या? हिंदी। आज हम लोग हिंदी पढ़ेंगे। हिंदी में भी आपका बेटा लगभग कंप्लीट हो चुका है सारी चीजें। ठीक है, तो अब हम इसमें भी रिवीजन करेंगे। तो रिवीजन आपका हिंदी कहाँ से स्टार्ट होता है? आपका स्टार्ट होता है अ से अहां तक। ठीक है, तो आज हम पढ़ेंगे अ से अनार, आ से आम, छोटी ई से इमली, बड़ी ई से ईख, छोटा ऊ से उल्लू, बड़ा ऊ से ऊन, री से ऋषि, ए से एड़ी, ऐसे ऐनक, ओ से ओखली, औ से औरत, अंग से अंगूर, अहा माने कुछ नहीं। ठीक है, फिर से रिपीट करेंगे। अ से अनार, आ से आम, छोटी से इमली, बड़ी से ईख, छोटा ऊ से उल्लू, बड़ा ऊ से ऊन, री से ऋषि, ए से एड़ी, ऐसे ऐनक, ओ से ओखली, औ से औरत, अंग से अंगूर, अहा माने कुछ नहीं। ठीक है, तो ये आपको समझ में आ गया? तो आपको जो मैंने लिखा उसको याद करना है, पढ़ पढ़ के याद करना है। ठीक है, और आपका आज का क्या है? पहले आप लिखेंगे, डे डालेंगे। ठीक है, फिर एक पेज पे आपको लिखना है अ, और सेकेंड पेज पे आपको लिखना है आ। ठीक है, लिख करके जैसा कि मैंने कल बोला था, पिक क्लिक करेंगे और क्लिक करके मुझे मेरे व्हाट्सएप पे सेंड करेंगे। ओके, मिलती हूँ नेक्स्ट क्लास। नेक्स्ट क्लास हिंदी के बाद क्या है बेटा? मैं आपको पढ़ाऊंगी पिक्चर वर्ड बुक से। ठीक है, तो आज हम पिक्चर वर्ड बुक से पढ़ेंगे बॉडी पार्ट्स के बारे में। किसके बारे में? बॉडी पार्ट्स के बारे में। तो बॉडी पार्ट्स क्या? बॉडी पार्ट्स से आप क्या समझते हैं बेटा? मैंने आपको इससे पहले भी पढ़ाया है। बॉडी पार्ट्स मतलब हमारे शरीर के अंगों के बारे में। ठीक है, जैसे हमारी एक इस शरीर में कितने सारे पार्ट्स हैं, है ना? जैसे हेड, ठीक है, आईज, नोज, माउथ, टीथ, टंग, ईयर, हैंड, फिंगर्स, लेग। ओके, तो इतना आपको क्या करना है? याद करना है। ठीक है, और याद करके मुझको इसी का वीडियो बना के आपको देना है।
ठीक है ना। मैं देखूंगी कि आप लोग को समझ में आ रहा है कि नहीं, सब भूल तो नहीं गए आप लोग जितना भी पढ़ाया हुआ है, क्योंकि ये चीज़ें तो आपकी डेली क्लासेस में चलती हैं। ठीक है, तो क्या पढ़ाया मैंने अभी, बॉडी पार्ट्स, और बॉडी पार्ट्स में क्या क्या चीज़ें हैं, हेड, फोरहेड, आईज, नोज, माउथ, टंग, टीथ, ईयर्स, हैंड, फिंगर्स और लेग। ओके, तो इतना आप करेंगे, इतना करके आप मुझे वीडियो बनाएंगे, वीडियो बना करके देंगे, ठीक है, फिर मैं आपको नेक्स्ट क्लास में मिलती हूँ। तो बेटा इसके बाद आपकी पीडी की क्लास में ले रही हूँ। पीडी की क्लास में कल मैंने आपको जैसे कि बताया, हु इज़ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, हु इज़ द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, हु इज़ द चीफ मिनिस्टर ऑफ यूपी एंड वॉट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ यूपी। तो आई होप आप लोग को याद हो गया होगा, मैं फिर से एक बार रिपीट कर देती हूँ, हु इज़ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, तो द्रौपदी मुर्मू जी is the president of India, ठीक है। तो who is the prime minister of India, Mr. Narendra Modi is the prime minister of India, okay। और next है आपका who is the chief minister of UP, तो योगी आदित्यनाथ जी। अगर आपको full forms नहीं याद हो रहे हैं तो आप छोटा छोटा भी याद करके आप बता सकते हैं कि मतलब एटलीस्ट लगे कि आपको याद है, ठीक है। और इसकी भी आप मुझे वीडियो बना करके देना कि आपने आप ये चीज़ें घर में रिवाइज कर रहे हो, मुझे कैसे पता चलेगा कि आप पढ़ रहे हो अगर आप वीडियोज़ नहीं सेंड करोगे तो, ठीक है। तो अभी मैं नेक्स्ट आपको फिर एक लास्ट था आपका, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ यूपी, ठीक है। तो यूपी का फुल फॉर्म क्या होता है, उत्तर प्रदेश, ठीक है। द फुल फॉर्म ऑफ यूपी इज उत्तर प्रदेश, ठीक है। तो अभी मैं आपको आज बताने वाली हूँ हाउ मेनी डेज इन अ वीक, तो हफ्ते में कितने दिन होते हैं, तो हाउ मेनी डेज इन अ वीक। तो जब अगर कोई आपसे पूछता है हाउ मेनी डेज इन अ वीक, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको बोलना है सेवन डेज, ठीक है। हाउ मैनी सेवन डेज, ठीक है। कोई आपसे बोलता है कि नेम नैम, तो आप बताएंगे संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेंसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, ठीक है। फिर मैं आपको रिपीट कर रही हूँ हाउ मैनी डेज इन अ वीक, तो देयर आर सेवन डेज इन अ वीक, नेम नैम संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेंसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, ओके। तो इसको भी आप याद करिए, ठीक है। कल की पीडी की क्लास की और आज की पीडी की क्लास की आप एक वीडियो बनाएंगी और मेरे नंबर पे सेंड करेंगे व्हाट्सएप पे, ओके। और कल भी जितना भी वर्क दिया है बच्चों, प्लीज़ आप घर में रिवाइज करो और मुझे मुझे व्हाट्सएप करिए, अदरवाइज मुझे पता नहीं चलेगा कि आप घर में पढ़ाई कर रहे हैं, ठीक है। क्योंकि ठंड की वजह से आपको पता है क्लासेस नहीं चल रही हैं, तो कम से कम आप ऑनलाइन और घर में बिल्कुल पढ़ाई कीजिए, ठीक है। बाय बाय, कल मिलती हूँ नेक्स्ट क्लास में, थैंक यू।